तो ये थोड़ा बहुत सामान आ गया है। ये है ट्रेन के लिए, ठीक है। ये आ गया चॉकलेट एंड ये बच्चों के बर्थडे है तो देने लेने के काम आएगा। नमकीन, एक चॉकलेट, दूसरे चॉकलेट, नमकीन और ये मतलब ना ट्रेन के लिए है ना सब सामान, थोड़ा थोड़ा बच्चे मतलब खाएंगे। और ये लिपस्टिक आप देख रहे हो मेरे हेयर के काम रहते हैं ना ये, तो ये क्लेचर भी ले आए मेरे पति, मेरे से कितना प्यार करते हैं। आए हाय, ये उधर से उठा के लाया हूँ मैं। तो ये पूरा सामान, अभी क्या खाओगे? खाना नहीं। तो थोड़ा होता क्या, अगर मेरे लिए बनाया नहीं तो क्या खाना खाना। अच्छा, और आप देखो यहाँ पे मैंने ना कपड़ों के पोर्शन कर दिए हैं, इधर मेरे हैं, इधर हैरिक के हैं, उधर विशु के हैं। मेरी काश मेरी बहन होती, इतने साथ खेलता, खुश होता। बहन के साथ क्या करोगे? हमारी जर्नी स्टार्ट होती है महसाना से। महसाना से महसाना तो पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, महसाना अभी नहीं आया क्या? तो ये क्या आया अभी ना, कलोनी है? हाँ, अभी हम कलोन में ही है, तो जर्नी हमारी महसाना से स्टार्ट होगी। तो हम बैठ चुके हैं इस कैब में, कैब में बैठ चुके हैं और पीछे का सीट हमने पूरा का पूरा ले लिया है। और पहले हम बस से जाने वाले थे, नहीं पहले हम कैब मतलब कैब बुलाने वाले थे, फिर रश्मि जी ने बोला बस से चलेंगे, फिर हम यहाँ पे बस के लिए आए तो हमें ये कैब मिल गया, तो हमने बोला इससे बढ़िया ऑप्शन तो कुछ नहीं है। फाइनली हम बैठ चुके हैं और हैरी अभी स्लीपिंग मोड में है ना हैरी? हैरी से हाय। और हमारे दूसरे डीमार्ट आ गया अभी, और हमारे दूसरे हीरो से मिलो, विशु से हाय। अभी विशु पता क्या कहते हैं, काश मेरी एक बहन होती तो मैं उसके साथ खेलता। तो भाई ये भाई है, भाई के साथ खेलो। बहन में जैसे कैसे खेलूं? तो बहन के साथ क्या करोगे ये तो बताओ। जब घर पे आ जाएंगे तभी करेंगे खेले खाली। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ आपका। तो चलो महसाना चल के इससे पहले अनाउंसमेंट हो तो मैं आपको बता दी हूँ, हम महसाना पहुँच गए हैं। जब से हम यहाँ पे पहुँचे हैं तब से 2 से 3 ट्रेन निकल चुकी है, बट अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे 8 बजे पहुँच गए थे हम। सो तब से लेके अब तक हमने 2 बोतल पानी पी लिया है एंड कुरकुरे चिप्स खा लिए हैं। और हमारे हैरी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मम्मी ने इतनी भीषण गर्मी है मुझे। लो हो गया स्टार्ट। चलो सो गाइज एक बात बताऊं, अश्विन जी ने बोला 8 बजे ट्रेन है, यहाँ पे 20:33 हो गए पर अभी तक ट्रेन नहीं आई है। पापा फ्लैग को देख के क्या करते हैं? बस 5 मिनट पहले बोल रहा था कि मुझे बहन चाहिए, लो बहन मिल गई। अभी रास्ते में बोल रहा है मुझे बहन चाहिए। पहुँच चुके हैं हम, हेडफोन मुझे दे रहे हैं। हमारी दोनों ही सीट ऊपर वाली है। अभी ना प्रॉब्लम ये हो गई, एक फैमिली मिली थी मुझे, ठीक है, वो बात कर रहे थे व्यांश से, वो कुछ पूछ रहे थे मेरे से, पता बोला भी नहीं जा रहा था, पता नहीं एकदम अचानक से क्या ही हो गया, खांसी रुकी नहीं रही है। और जो एक एलर्जी वाली मेडिसिन थी ना, मैंने अश्विन जी को बोला था अश्विन जी रख लो, अश्विन जी को बोला था सब, बस आपको कुछ नहीं करना है। और आप कुछ करते हो मेरे लिए? बातें कम करते हो बस। आज तो पता नहीं कैसी रात मेरी कटेगी, इतना खांसी खांसी में, अब वो तो सांस भी नहीं आ रही है। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने चिप्स खाया, चिप्स खाने के बाद देखो प्रॉब्लम बढ़ रही है। और यहाँ पे एसी भी है एंड मैंने ठंडा पानी भी पी लिया, पता नहीं आज क्या ही होगा। अरे विशु बता रहे हैं कि इसमें टीवी भी है। विशु और क्या क्या है बेटा?
और यहाँ पे हेडफोन भी है, देखे देखे, एसी भी है और टीवी भी है। चलो देखो, दिखा। अच्छा टीवी दिखा दिया और एसी भी है और विशु भी है, कम्बल भी है। अच्छा कम्बल भी है और लाइट भी है। अरे बंद करो बंद करो। विशु के आ गए हैं मजे। अश्विन जी ने बोला खाने के लिए क्या मंगाना है, तो मैंने बोला भैया खाने वाले भैया अगर दवाई लेके आ सकते हैं ना तो उनसे दवाई मंगा लो, ला सकते हैं क्या भाई। मैं अपनी जर्नी को ना हैप्पी करना चाहती हूँ और ये प्रॉब्लम झेलनी हो रही है। और हमारे विशु बहुत एक्साइटेड हैं, हैरी हैरी पे भाई को देख के एक्साइटेड है। फाइनली कॉफी वाले भैया आए और अभी देखते हैं इससे खांसी हमारी रुकती है नहीं। खांसी का इलाज है आपकी गर्मा गर्म चाय, चाय नहीं मिलती है तो कॉफी से काम चलाओ। अरे पियोगी रास्ते में गोदी ली थी वो यहाँ पे भी आ गई है। सो हम दोनों यहाँ पे लेट गए और विशु कुछ कहना चाह रहे हैं। विशु ने तो व्लॉगिंग के लिए लाइट जला दी है, यहाँ पे इतनी अच्छी व्लॉगिंग तो नहीं हो पा रही है ये लाइट क्योंकि हमारे सीधा मुंह पे आ रही है। हाँ, लाइट बंद करे तो काला। नहीं अब अच्छा है विशु। ओए होए तो मम्मी का गाना। पूरे घंटे का इंतजार कराने के बाद फाइनली अब हमारा खाना आएगा। हमारे से ज्यादा एक्साइटेड है विशु। है विशु, हम पहुंच गए नानी के घर। ये बताओ भूख लग रही है? तो आप देख पाओगे यहाँ से खाना ऑर्डर किया है होटल कुनाल से। केक आ चुका है। केक कहाँ है? केक मेरा। अच्छा इसमें केक लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? चलो खोलते हैं। खोलो खोलो। आप तो इसको कल तक भी नहीं खोल पाओगे विशु। तक खाना है। खाना है वो तो सोच रहा केक केक है उसके अंदर। तो ये है खाना। अश्विन जी को मना करती हूँ प्याज खाने के लिए और आज प्याज ही आ गया है। हाँ हाँ अश्विन जी आज तो प्याज खाओगे आप? मैं तो प्याज खा ही लूंगा। देखो आप खा लेते हो, आपके बच्चे खा लेते हैं प्याज, है ना? अच्छा तो चलो भाई खाना खाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। 10:30 बज चुके हैं रात के। तुम आराम से सो रहे थे। तो दवाई लेके आनी चाहिए थी ना? जब मैं बोला था नहीं अपना काम खुद करो। क्या हुआ? गर्म ही तो पीना होता है चाय को। चाय को गर्म ही पीते हैं बेटा। लाइट जला के पी ले ठंडी हो जाएगी। तो कुछ भी कर रहे हैं लैग नहीं बची, मेरी हालत नहीं खराब। सो हमारे हैरी की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हैरी गुड मॉर्निंग। और विशु की तो पहले से ही होगी ना विशु?
हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और रात का टाइम इतना बेकार गया ना, मैं नहीं बता सकती अभी। और सब लोग सो रहे थे और मैं उठी हुई थी पूरी रात। अश्मित जी तो ज़्यादा ही सो रहे थे। अभी ना क्या है, चाय पी ली। चाय से पता नहीं रिलैक्स मिल रहा है गले को, ठीक है। तो बार बार चाय पीना भी मुझे अच्छा, मुझे चाय मतलब अच्छी नहीं लगती है। कॉफ़ी पी है मैंने, कॉफ़ी भी वो चाय की तरह ही है अभी। और अभी मेरा कुछ खाने का मन है पर डर लग रहा है कि खांसी फिर से स्टार्ट ना हो जाए। भाई मस्ती सीखनी है तो मेरे हस्बैंड से सीखो, उन्होंने देखो बच्चों के लिए सीट कैसे कर दी है। विशु अच्छा लग रहा है ऐसे? हाँ हैरी, हैरी अच्छा लग रहा है? हाय करो। नहीं तेन तेन तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली और हमने भी पार करी है 60 सीढ़ियां। वही हालत मेरी ऐसी हो गई है, एक तो खांसी का प्रॉब्लम, ऊपर से मेरी सांस का प्रॉब्लम। हमें पुरानी दिल्ली फिर रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ से जा रहे हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से हो सका तो देखेंगे, हमें ट्रेन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम निकलेंगे बस से। ओके बाय बाय। अब हम बैठ चुके हैं कहाँ पे? ई रिक्शा। ई रिक्शा के अंदर और ये मॉडिफाइड ई रिक्शा है भैया। और हम एक मरीज के साथ हैं जो कि सांस का मरीज है। कितनी बड़ी दाल चावल की मंडी है, हर तरीके के दाल चावल मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो हमारे दिल्ली में सबसे बड़ी मंडी, अच्छा दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है। सदर बाजार। पापा भाई कहते हैं ना जब शरीर साथ नहीं देता ना तो कोई साथ नहीं देता। तो अभी हम पहुँचे थे रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाके पता चला कि ट्रेन छूट गई और ट्रैफिक इतना था कि भैया के यहाँ भी नहीं जा पाए। अब आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन और अब यहाँ से जाएंगे हम कश्मीरी गेट और वहाँ से लेंगे बस। बस में ट्रैवल करना OMG। तो गाइस ये है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन और देर पता क्यों हुई हमें? जो रिक्शे वाले भैया थे ना वो हमें ले आए दाल चावल की मंडी की तरफ से और सदर मार्केट भी हमने देख लिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दो मार्केट हमने देख लिए, पर उस बीच क्या हुआ ना हमारी ट्रेन छूट गई। और भैया को हमने इसलिए कराया था कि वो हमें फटाफट ले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम मेट्रो से चले जाते तो हमें ट्रेन मिल जाती यार। कभी कभी ऐसा लगता है ना शादी के बाद मम्मी से मिलने के लिए ना सात समुंदर पार करने पड़ते हैं तब जाके मम्मी से मिलते हैं। अब यशमित जी गए हैं ATM के अंदर और आप उधर देखो रश कितना हो रखा है। और मेरी हालत अभी तक मैंने मेडिसिन भी खाई है, सांस का चढ़ रही है और मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं मेट्रो। चलो विशु चलो 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 चलो। हैरी मजे कर रहे हैं। हैरी 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 इधर देखो। वाओ मेट्रो को कर दिया हमने बाय बाय रिक्शे वाले भैया के चक्कर में ना, ना तो हम भैया के पास जा पाए ना हम हरिद्वार जा पाए, हम अटक गए यहाँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन। और सोच रहा है ये हरिद्वार वाले मॉल की वो लिफ्ट है, ये मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट है, इसमें बहुत भीड़ होती है। आराम से विशु ओके। तो भाई मेट्रो की एक बात बोलूँ, मेट्रो में ईजिली आप इधर से उधर जा सकते हैं, आपको बाहर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आराम से AC में आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मैकडी और मुझे सांस में सांस नहीं आ रही है। अश्विन जी बोल रहे हैं पहले खा पी लो उसके बाद हैरी हैरी दवाई खाना। और आपको पता है भैया का फ़ोन आ रहा है और मैं दिल्ली में ही हूँ, भैया का फ़ोन आ रहा है मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ। अगर उनको पता चलेगा मैं दिल्ली हूँ तो वो बोलेंगे आ जाओ या फिर वो मम्मी को घर पे बता देंगे, जबकि मैंने ना तो भैया को बताया ना मम्मी को बताया, मैं सरप्राइज़ करने वाली हूँ मम्मी को, ठीक है। अभी अश्विन जी उधर गए हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है। मैंने कहा बर्गर खा लेते हैं क्योंकि फिर बस का सफ़र करना है और बस के सफ़र में क्या हालत होगी ना, मैं खुद भी नहीं समझ रही और मेरा ट्रैवल करने का बिल्कुल भी मन नहीं है बिल्कुल भी। और पता क्या हालत इतनी बुरी हो रही थी ना, चाची जी के यहाँ चले जाते
फिर दोबारा कल से रेडी होके ट्रैवल करना भाई मेरे बस का नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो जितनी तकलीफ कर रही है आज ही कर लेते हैं, आराम से घर पे जाके मम्मी के हाथों का खाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे, नानी के घर मजा करेंगे। हैं अभी क्या खाने आए हो? मैगी खाने आया है। देखो क्या देखें? वो देखो आगे। अच्छा उधर है। अभी शु कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं नानी के घर। हैं बल्ले बल्ले। भाई अश्विन जी ये लेके आए हैं, ठीक है इनको मैंने बोला था कोल्ड ड्रिंक ले आना, बाद में तो मुझे दवाई खानी ही है यार, कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेके आए? ऐसे सूखा सूखा खाना पड़ेगा यार, सूखा सूखा कौन खाता है। बाय बाय। ये मेरे पति आ गए मेरे दवाई लेके, और ये सारी खानी है क्या? इसी में डाल दो पानी। अरे लो जल्दी पाओ। पानी भी मेरा फेवरेट है। हम दवाई खा रहे थे इतना में ये अंकल जी आ गए हमारे पास, बोलने लगे कि बिजनौर के लिए पैसे दे दो। तो फिर अश्विन जी साथ में ला रहे हैं, तो टिकट का प्राइस पूछा तो इन्होंने बोला 380 रुपीज़ बिजनौर के। तो फिर अजमेर जी ने बोला चलो मैं दिला देता हूँ टिकट, मेरे साथ चलो, ठीक है ऐसे तो किसी पे भरोसा नहीं होता ना पैसे के लिए। तो अजमेर जी ने सोचा कि चलो टिकट ही दिला देते हैं, तो अंकल जी को बोल दिया है आ जाओ हमारे पीछे पीछे। बड़े दुखी से अंकल हैं यार ये ना, मैंने बोला ना मेरे साथ चलो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इनको। तो आपको जाना कहाँ है? चांदपुर। कौन सी जगह? यूपी। नहीं नहीं चांदपुर में कौन सी जगह? तो अंकल आए थे किसी हॉस्पिटल में, और अंकल की हो रही है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, उनको सांस भी नहीं आ रही है, और अंकल को मैं अपना दुख बता रही थी कि मुझे भी नहीं आ रही है, तो उनको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अंकल को मेरी कहानी का पता ही नहीं है। तो अंकल अभी बैठ गए, उनको सांस फूल रही है पता है। तो अश्विन जी चले गए हैं उनको टिकट दिलवाने के लिए। अश्विन जी को बिठा दिया मैंने एसी वाली बस में, और एसी वाली बस में मुझे होती है प्रॉब्लम भाई, उसमें ना तो विंडो होती, और यहाँ पे मैं पूछते पाछते आ गई हूँ कि उल्टी की दवाई कहाँ मिलेगी, तो किसी ने बताया ये है, तो देख लेते हैं मिल जाती है नहीं। सो गाइस ये गवर्नमेंट है, फ्री कॉस्ट में मुझे ये दवाई मिल गई है, और अश्विन जी अगर होते ना तो मुझे जाने नहीं देते, उनसे पूछे बिना मैं भाग के आ गई भाई। वहाँ पे अगर मैं पन्नी में भी करती तो कैसा रहता यार, समझ में नहीं आता मेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों है, और इतनी सारी बसों को देख के ना मुझे वैसे ही इतनी उल्टी आ रही है। तो चलो इतने से पानी में खाने को बोला है, ज़्यादा पानी में नहीं खाना है भाई। इस लड़के को देखो कहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं, देखो देखो ऐसा कौन आता है, कौन आता है ऐसे। भैया हमने भैया से थोड़े से ले लिए अपने लिए, स्पाइसी से बनवा रहे हैं। और हैरी कैसे खा रहे हैं? और विशु को पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा कहाँ पे है भाई? विशु पिज़्ज़ा नहीं तो हालत थी ना बस में, मैं किसी से कुछ मांग रही थी किसी से कि तुम्हारे पास उल्टी का कोई सलूशन है, तो वो जो दाल वाले भैया होते ना वो आए, किसी ने बोला कि नींबू से रुक जाती है, तो दाल वाले भैया को बोला कि भैया नींबू दे दो, तो भाई पैसों में भी नींबू नहीं दिया और नीचे उतर के चले गए। उसके बाद मैंने सोने की बहुत कोशिश करी, बहुत मतलब क्या ही बोलूँ। तो अब हम खतौली पहुँच गए, क्या है क्या ही, तो खतौली पहुँच गए मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में जो स्टॉप आता है वहीं पहुँच गए। ये देखो इन्हें सबसे ज़्यादा उल्टी आ रही है। अरे फिर से कौन थोड़ी मिल रहे हैं? चिप्स खाना अभी ना अंदर जाके, ठीक है। भाई हमारी ये कड़क वाली चाय बनके तैयार हो चुकी है, और आज पता नहीं क्यों मैं इतना चाय पी रही हूँ। आ जाओ हरी हरी आपके लिए नहीं।
सो गाइस यहाँ की ये मशहूर कड़क चाय। सो गाइस आज ना आपकी गढ़वाली माँ आपको क्या क्या दिखा रही है। हाँ कुल्लड़ वाली चाय, मज़ा ही आ गया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, आप अपने कितने नखरे करते हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और जब आपके ऊपर कुछ अजीब सी सिचुएशन आती है तो आप सब चीज़ खा लेते हो। जैसे कि मैं चाय पी ली, मैंने ये पॉपकॉर्न ले ली, ये मसाला, और इतना मसाला जलवाया ना मैंने इसमें, मतलब मिर्ची भर भर के जलवाई है। और ये मेरी बस है ठीक है, जिसमें मेरा चढ़ने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है यार, कब पहुँचेंगे। और अभी तक मैंने मम्मी को और भैया को नहीं बताया है। मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं ना विशु के स्कूल में आई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। तो मम्मी कह रही हाँ हाँ ठीक है बेटा ठीक है। भैया अभी पॉपकॉर्न से कुछ नहीं हुआ, एक बार इसको ट्राई करते हैं शायद से इससे कुछ हो जाए। सो यार ये तो बनाने वाला है, देखो ये पैकेट हो गया, ये इसका स्पून हो गया, और ये इसका मसाला। तो भी मेरे विशु बोल रहे हैं कि मम्मा आज खा खा के मोटी हो जाओगी क्या, आज खाते रहो और देखते किससे वोमिट रुकती है। भैया एप्पल खा के भी कुछ नहीं हुआ, ये खाते हैं। बस में बैठे बैठे रात हो गई है ना, ये कर दे इस इंसान ने मेरे सॉक्स छोड़ दिए बस में। मैं क्यों छोड़ूंगा, बस मैंने पहन रखे थे क्या। आते ही मेरी नजर पड़ी है ताजी ताजी मूली में। पहले मैंने सोचा पहले घर उतरते ही मूली की वीडियो बना लूं। सो मम्मी को हमने दिया खतरनाक मतलब खतरनाक सरप्राइज। मम्मी हो गई बहुत ज़्यादा खुश, और भाभी का मुंह तो देखने वाला था, भाभी ऐसे चौंक गई, भाई क्या हुआ था, आपने सोचा कौन आ गया। नहीं सरप्राइज है ना तब। अब मेरे कृष्णा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कृष्णा हमें देख के घबरा गया कि भाई ये काली सी लड़की कौन आई, ये काली सी लड़की कौन आई। बिशू बिशू बोलो पिछू पिछू ले बिछू पानी पी ले, पानी पी लो हरी। अच्छा तो मामी को मिलाई कुकु 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 मेरे कुकु 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 बोले मामी को पापा मेरा बच्चा मेरा चंदा मेरा बच्चा मम्मी दर्द हो जाएगा।